टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की आत्महत्या करने के बाद अब रोज रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मां अन्नू कौर ठक्कर ने कहा है कि वैशाली और राहुल नवलानी की मुलाकात फर्स्ट लॉकडाउन के बाद इंदौर में हुई थी। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई क्योंकि राहुल पहले से शादीशुदा था जिसके दो बच्चे भी थे। वैशाली को उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर शादी कर लूंगा, लेकिन जब वैशाली ने समझाया कि ये नहीं हो सकता तो उसने उससे दूरी बना ली और फिर वैशाली ने सगाई कर ली, जिससे वो दुखी होकर वैशाली को परेशान करने लगा। इसकी जानकारी हमें नहीं थी। वैशाली द्वारा बताया गया कि पिछले 2.5 साल से राहुल इतना परेशान कर रहा है। राहुल को बुलाकर समझाया भी गया लेकिन वो नहीं माना और उसकी पत्नी दिशा ने भी कहा था कि वैशाली की जिंदगी खराब कर देगी और वो उसने कर दी। वैशाली ने आत्महत्या के पहले अपनी माँ से कहा था कि राहुल डर फिल्म की शाहरुख खान की तरह है, वो बाहर से जितना स्वीट है उतना ही अंदर से खतरनाक है। राहुल द्वारा वैशाली को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था जिससे काफी समय से वैशाली अपने आप को शांत रखने के लिए महामृत्युंजय का जाप सुनती थी, रोज मेडिटेशन किया करती थी, जिसका जिक्र उसने अपने सुसाइड नोट में भी किया है, लेकिन राहुल ने उसको इस कदर तोड़ दिया कि उसने आत्महत्या कर ली।